हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सैम्पलिंग टेक्निक्स। और बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का। आज थोड़ा सा मेरा तबियत खराब है तो हो सकता है मेरा वॉल्यूम लो रहेगा, प्लीज मैनेज इट। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सैम्पलिंग को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग मेथड, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, जिसका डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है। तो यहाँ पर जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसमें लॉटरी मेथड और टेबल ऑफ रैंडम नंबर होता है, उसका हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होता है और क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। सो लेट्स सी द डिटेल्स। तो यहाँ पर जब भी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, व्हेन अ सैंपल आर सेलेक्टेड रैंडमली बट अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब यहाँ पर जो सैंपल है उसको रैंडम तो सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहां पर कुछ हमने कंडीशन लगा दिया, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इट इज टर्म्ड एज रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। जब यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होता है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, तो वो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है। जब वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। जब फर्दर इसका डिस्कशन करेंगे तो आपको ये चीजें और क्लियर होगी। इट इन्वॉल्व्स द पर्सनल अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर वाइल सेलेक्टिंग अ सैंपल, मतलब जब भी हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टिगेटर का पर्सनल अटेंशन रिक्वायर्ड होता है। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेटर वहां पर अपने हिसाब से इसको मॉनिटर करता है या फिर मैनेज करता है। थर्ड पॉइंट इज दैट इट इज नॉट प्योरली रैंडम। तो यहाँ पर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो ये प्योरली 100% रैंडम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है अपना दिमाग लगा रहा है। इन्वेस्टिगेटर का कोई भी दिमाग ना लगे तो वो 100% रैंडम होता है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में होता है। यहाँ पर ये 100% रैंडम नहीं होता है, कैसे ये आपको आगे पता लगेगा। इंपॉर्टेंट मेथड्स अंडर दिस कैटेगरी आर एज फॉलोज। तो ये जो हमारे पास एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड होता है, एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड होता है और एक क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड होता है। हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के तीन मेथड में से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट इन दिस मेथड द यूनिवर्स और द इंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, मतलब एक टाइप के ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि आपका नंबर ऑफ होमोजेनस ग्रुप्स, देन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम और ग्रुप अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आर टेकन एट रैंडम, मतलब हम लोग के पास जितने भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, जिस चीज का भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लो कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का स्टडी हम लोग कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लो 10,000 स्टूडेंट हैं तो वो उसका पॉपुलेशन हो गया। तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज या फिर कोई भी कैटेगरी वाइज उनका स्ट्रेटा बना लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल एक यूनिवर्सिटी में 1,000 स्टूडेंट्स हैं और उन 1,000 स्टूडेंट्स में फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, एमबीए के हैं, एमसीए हैं, आर्किटेक्चर के हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा, मतलब एक नॉर्मल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता, मान लो यहाँ पर 1,000 में से हमें 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और ये हम लोग सेंट्रल लेवल पे एक टीम बना रहे हैं स्टूडेंट्स का, सेंट्रल लेवल पे एक टीम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोविड 19 से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं स्टूडेंट का, 20 स्टूडेंट्स का। ये 20 स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, इन 1,000 स्टूडेंट से। तो डायरेक्टली यहाँ 1,000 में से हम लोग 20 स्टूडेंट ले लेंगे कोई भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग या फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भाई सारे जो डिपार्टमेंट है उनके बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए, वेटेड सेलेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फार्मेसी के आपके पास 400 स्टूडेंट हैं, एमबीए में मान लो 200 स्टूडेंट हैं, एमसीए में मान लो 100 स्टूडेंट हैं और आर्किटेक्चर में मान लो 300 स्टूडेंट हैं और हमें टोटल 20 स्टूडेंट लेना है। तो 400 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल, 1,000 इंटू 20 करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 0000000 कट हो जाएगा, ये 8 स्टूडेंट हम लोग फार्मेसी से ले लेंगे। एमबीए से कितने लेंगे, 200 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू कितना स्टूडेंट चाहिए टोटल को, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एमबीए से 4 स्टूडेंट ले लेंगे, उसके बाद फिर एमसीए से क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 20 तो ये 2 स्टूडेंट हो जाएगा एमसीए से। आर्किटेक्चर से कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 20 तो ये हो जाएगा 6 स्टूडेंट। अब यहां पर देखो, हमने फार्मेसी से टोटल 400 स्टूडेंट्स थे,
तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वेटेज दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, डिवाइडेड बाई 1000 है इंटू 100, तो ये हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, तो ये क्या होगा, ये होगा 2%, मतलब 2% स्टूडेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो टोटल का 2%, मतलब 1000 का 2%, 20 स्टूडेंट्स, तो इन 20 स्टूडेंट्स में कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा कितना आ रहा है नहीं पता। हो सकता है एमबीए के 6 स्टूडेंट आ जाएं, फार्मेसी के 2 आ जाएं, एमसीए के 6 आ जाएं, आर्किटेक्चर के 6 आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंपल रैंडिंग तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में उतना वेटेज नहीं मिलता है जितना वेटेज मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम लोग कर रहे हैं, फार्मेसी के 400 स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर से ज़्यादा रिप्रेजेंट करने चाहिए बच्चे, तो वहाँ पर 8 है, एमबीए में 4 है, एमसीए में 2 है और आर्किटेक्चर में 6 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दिमाग लगाया ना, जो भी आपके पास स्टेटिस्टिशियन है उसने अपना दिमाग लगाया, जिसकी वजह से सबको अच्छे से चांसेस मिले, मतलब जिसका ज़्यादा नंबर है उसको ज़्यादा वेटेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग स्ट्रेटा बना लेते हैं, जो हमने फार्मेसी एमबीए एमसीए और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट का ये स्ट्रेटा बनाया है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं, और ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है उससे बेहतर हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज क्वासी रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम लोग क्वासी रैंडम सैम्पलिंग के भी नाम से जानते हैं, मतलब रैंडम सैम्पलिंग तो है लेकिन कम्प्लीटली नहीं है, कुछ एक रिस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वाले में स्ट्रेटिफाइड में क्या हो गया, वहाँ पर हम लोग स्ट्रेटा बनाते हैं, वो एक रिस्ट्रिक्शन हो गया, स्ट्रेटा बना दिया तो सबका परसेंटेज फिक्स हो गया, वेटेज फिक्स हो गया। अंडर दिस मेथड द होल पॉपुलेशन इज अरेंज अल्फाबेटिकली, जियोग्राफिकली, न्यूमेरिकली और इन सम अदर सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो इसमें जो भी हमारे पास पॉपुलेशन होता है उसको किसी भी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लोग लगा सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे जियोग्राफिकली हो, चाहे न्यूमेरिकली हो, चाहे किसी का हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है। नेक्स्ट होता है देन एवरी nth आइटम इज सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम वेन n स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, मतलब हर उसमें से मान लो 10 है, 10 में से हमें 3 सैंपल लेना है, तो हमने पहला ले लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर छठवा ले लिया, इस तरीके से nth आइटम। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि समझ में आए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जू है जिसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 10 तो 60 जिराफ है, 60 क्या है हमारे पास, जिराफ है। अब ये जो 60 जिराफ्स हैं इनमें छोटे जिराफ्स भी हैं, अडल्ट जिराफ्स भी हैं, तो उनका हाइट वेरी करता है, इनका हाइट मान लो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में इनका हाइट दिया हुआ है 172, 177, 179 ऐसे करके 379 सेंटीमीटर तक है। अब यहाँ पर आपको कहा जाता है कि ये जो जिराफ है इनका आपको क्या निकालना है, एवरेज हाइट निकालना है, एवरेज हाइट निकालना है। तो एवरेज हाइट निकालने के लिए या तो आप सबका पूरा 60 जिराफ का कैलकुलेट करोगे तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन 60 को पूरा हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, कई बार वहाँ से हम लोग सैंपल लेते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 24 ऐसे कुछ जिराफ का ले लेते हैं, उनका एवरेज निकाल लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि 60 जिराफ का ऑन एन एवरेज हाइट लगभग इतना ही होगा, थोड़ा बहुत एरर्स आ सकता है, एरर्स का डिस्कशन हम लोग अपकमिंग वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, के के इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन बाई एन, मतलब कैपिटल एन क्या होता है, ये जो 60 है ये कैपिटल एन है, मतलब पूरा पॉपुलेशन का जितना नंबर है उसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एन होता है हमारे पास ये सैंपल के। क्या हो गया, सैंपलिंग इंटरवल, मतलब के मतलब कौन से, मान लो हमने सबसे पहला सेलेक्ट किया 208 को, और उसके बाद फिर हम लोग बोल रहे हैं कि 4-4 के गैप में लेना है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, सैंपलिंग इंटरवल, सैम्पलिंग इंटरवल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर एन हो गया पॉपुलेशन साइज, यहाँ पर 60 हो गया पॉपुलेशन साइज, उसके बाद फिर एन हो गया सैंपल साइज, मतलब ये जो 60 जिराफ है उसमें से हम कितना सैंपल लेंगे, 5 जिराफ, 6 जिराफ, 10 जिराफ, 15, 20 जिराफ, कितने जिराफ का हम लोग हाइट लेकर के उसका एवरेज निकालेंगे, और ये मान लेंगे कि वही एवरेज हाइट इस पर्टिकुलर पूरे 60 जिराफ का है, पूरे पॉपुलेशन का। मान लो हमने एन इज इक्वल टू 6 लिया, तो यहाँ पर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा n by n, तो 60 by 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10, 60 by 6 मतलब ये हो जाएगा 10। तो कहने का मतलब ये कि मान लो यहाँ पर कोई भी रैंडमली ले लो, आंख बंद करके कोई भी एक में टिक लगा लो, मान लो यहाँ पर हमने टिक लगाया 211 में, तो यहाँ पर हमें 6 सैंपल लेना है 211, उसके बाद फिर 10 का गैप रखना है,
211 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 355। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 292। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 229। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 337। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 274। तो यहां पर हमने 6 सैंपल ले लिए। अब इन सब का एवरेज हम लोग निकाल देंगे और जो भी एवरेज आएगा वो हम लोग मान लेंगे कि जो 60 जिराफ है इनका जो एवरेज हाइट है वही है। वैसे ही हमारा मान लो 7 आता है तो मतलब 7 सैंपल निकालने हैं हमें, तो कितने का गैप होगा, 60 डिवाइडेड बाय 7। तो 60 डिवाइडेड बाय 7 हम लोग करते हैं तो ये आता है हमारे पास 8.57। जब ये 8.57 आता है तो यहाँ पर इसको हम लोग लेते हैं 9 का गैप, 8.57 होगा तो 9 का गैप लेंगे। ठीक है, मान लो 8.5 से ऊपर है तो अगला वाला ले लेते हैं, 8.5 से नीचे है तो मान लो ये 8.45 कुछ रहा था तो उसको चलो देख ही लेते हैं। K इज इक्वल टू है हमारे पास 60 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, तो 60 डिवाइडेड बाय 8 आपके पास होता है 7.5। अब जब ये 7.5 हुआ एग्जैक्टली बीच में है तो इसको हम लोग 7 लेंगे या फिर 8 लेंगे, तो जब भी यहाँ पर ये जो 7.5 है, 7 यदि ऑड नंबर है तो इसको हम लोग अगला वाला ले लेते हैं, 7.5 है तो इसको हम लोग ले लेंगे 8 का इंटरवल, के का वैल्यू 8 हो जाएगा, मतलब हर 8th रीडिंग को हम लोग लेंगे। मान लो यहाँ पर के इज इक्वल टू 11 है तो ये हो जाता है 60 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 5.45। अब ये 5.45 है तो इसको क्या लेंगे हम लोग, 0.45 है, 0.5 से नीचे है तो इसको हम लोग ले लेंगे 5। K इज इक्वल टू 5 मतलब 5 के गैप में ये मान लो लिया तो 1 हो गया, 2 3 4 5, फिर 358 ले लेंगे इस तरीके से। मान लो आपके पास 24 है तो 60 डिवाइडेड बाई 24, तो ये होता है आपके पास 2.5। तो 2.5 हो गया तो अब क्या लेंगे इसको, जैसे यहाँ पर 7.5 था तो इसको तो हमने 8 ले लिया, तो 2.5 है तो इसको हम लोग 2 लेंगे कि 3 लेंगे, जैसे यहाँ पर 7.5 था तो इसको तो हमने आगे वाला ले लिया 8 ले लिया, तो इसको उस हिसाब से 3 लेना चाहिए लेकिन इसको 3 नहीं लेते क्योंकि 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाले को उससे प्रीवियस वाला वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर 7 ऑड नंबर था तो उसके नेक्स्ट वाला, मतलब अल्टीमेटली जो गैप है हमारे पास के का वैल्यू आ रहा है वो इवन आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं, के इज इक्वल टू क्या होता है, और उतने का ही गैप ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पर से स्टार्ट किया ऐसे आँख मूंद करके, यहाँ 309 से स्टार्ट किया, ठीक है, और हम ये 5 का गैप ले रहे हैं, 309 हमारे पास एक रीडिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर 1 2, अब ये खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 4 5, फिर ये 243 हो जाएगा। तो इस तरीके से आगे वो चलता रहेगा और हम लोग जो भी सैंपल है सैंपलिंग है सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में इट इन्वॉल्व द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग द लार्ज पॉपुलेशन इन टू ग्रुप नॉन एज क्लस्टर्स एंड ड्रॉइंग अ सैम्पल ऑफ क्लस्टर्स टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी लार्ज पॉपुलेशन है उसको अलग अलग क्लस्टर्स में या फिर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप से प्रीवियस वाले में ले रहे थे हम लोग, स्ट्रेटिफाइड में हर ग्रुप से डेटा ले रहे थे, लेकिन इसमें हर ग्रुप से डेटा नहीं लेते, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप से हम लोग डेटा लेते हैं रैंडमली। इसका एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। इट इज कैरीड आउट इन मल्टीपल स्टेज से 2, 3 और 4 स्टेज में, मतलब अलग अलग स्टेजेस में ये हम लोग कैरीड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंपल है 500 IITians टू बी सेलेक्टेड फॉर ब्लड डोनेशन, मतलब हमें इंडिया में जितने भी IITs हैं तो 500 IITians हमें सेलेक्ट करना है ब्लड डोनेशन के लिए, और वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग से करना है। तो मान लो हमारे पास ये टोटल 23 IITs है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो देख लो ये 23 IITs है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमने मान लो ये 23 IITs में से कोई 4 IIT हमने सेलेक्ट कर लिया, मान लो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया IIT दिल्ली, कुछ भी ऐसे आँख मूंद करके बंद कर दो जो आए लिख दो क्या है,
आईआईटी मंडी, आईआईटी मंडी, उसके बाद और सेलेक्ट कर लेते हैं, ये क्या गया, आईआईटी भुवनेश्वर, उसके बाद फिर आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर, ठीक है। तो ये चार आईआईटी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग ये सारे आईआईटी से ये बच्चे सेलेक्ट नहीं करेंगे, इन्हीं चार आईआईटी से हम सेलेक्ट करेंगे जो हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है कोई भी चार, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर आईआईटी थे उन आईआईटी को हमने क्या किया, पहले तो कैटेगरी बांधा यहाँ पर 23 आईआईटी में अलग अलग। अब हर आईआईटी से हमें बच्चे लेकर के जाना जरूरी नहीं है, हमने उनमें से चार सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये चारों आईआईटी में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग मान लो आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, तो आईआईटी दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पर कुछ हमने अलग अलग डिपार्टमेंट का क्लस्टर बनाया और उसमें से कुछ डिपार्टमेंट लिया। मान लो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, हमने आईटी ले लिया, हमने सीएस ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये थर्ड स्टेज में हम लोग पहुँच गए। मान लो इन तीन डिपार्टमेंट में से तीनों डिपार्टमेंट में हमें स्टडी करनी है, तो एक डिपार्टमेंट लेते हैं मान लो मैकेनिकल। मैकेनिकल में फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हो, और उसमें से भी मतलब चार ईयर का हमने क्लस्टर बना लिया, और उस क्लस्टर में से हमने मान लो सेकंड ईयर को सेलेक्ट कर लिया और हमने थर्ड ईयर को सेलेक्ट कर लिया और फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर को छोड़ दिया। अब फिर क्या करेंगे, वहाँ पर हमने जो स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में ही जाएंगे। मान लो सेकंड ईयर में गए हम लोग, सेकंड ईयर में जाने के बाद वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर से हमने 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में करते हैं, क्लस्टर्स बनाते जाते हैं और उन क्लस्टर से फिर हम लोग सैंपल लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो 50 स्टूडेंट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आईआईटीज को, इन सारे आईआईटीज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक आईआईटी से हमने नहीं लिया है स्टूडेंट, ठीक है। हर एक आईआईटी से लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड होता है। सो आई होप आपको रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। थैंक यू सो मच।